दोस्तों भी आप देख सकते हैं हमारे पास है बजाज चेतक 150 सीसी का स्कूटर है दोस्तों। इसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, अगर आपके स्कूटर में करंट नहीं आ रहा है, वायरिंग से रिलेटेड हम आपको बताएंगे दोस्तों। जैसे कि आपको करंट चेक करना है, किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सीढ़ियाई लगाई गई है। अब हम बात करते हैं जैसे कि करंट नहीं आ रहा है, अगर आपके स्कूटर में दोस्तों करंट की प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि आप किक लगाते हैं और इसमें से बहुत ही हल्का करंट आ रहा है, यहाँ पे लगाएंगे और बहुत हल्का हल्का आएगा और दूर करेंगे बिल्कुल नहीं आता है करंट, तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं ये हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं ये है एचटी कॉइल, इसको हम इग्निशन कॉइल एचटी कॉइल दोनों बोल सकते हैं। तो करंट नहीं आ रहा है जैसे कि इस वाली वायर में, तो आपको जो आप देख पा रहे हैं ना ये एचटी कॉइल में वायर लगी है, इसमें आपको करंट चेक करना पड़ता है, ठीक है। आप इग्निशन को ऑन करें, इसके बाद किक लगाएं और इसमें करंट चेक करें, अगर इस वायर में करंट आ रहा है ना और यहाँ से नहीं आ रहा, इस पॉइंट से जो एचटी कॉइल की वायर देख पा रहे हैं, तो आपको इस कॉइल को चेंज कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस वायर में आ रहा है और इस एचटी कॉइल की वायर में नहीं आ रहा है, तो आपको इसका जो एचटी कॉइल है इसको चेंज कराना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं और स्टार्टिंग के बारे में, जैसे कि इसका जो मैग्नेट आप देख पा रहे हैं, मैग्नेट कॉइल में आपको एक पिकअप कॉइल देखने को मिल जाता है, एक ग्रीन कॉइल। तो अगर ग्रीन कॉइल ख़राब हो जाए मैग्नेट कॉइल के अंदर, तो इसमें करंट आएगा बट स्कूटर जो है स्टार्ट नहीं होता है। अगर आपके स्कूटर में करंट आ रहा है फिर भी नहीं स्टार्ट हो रहा है, करंट से रिलेटेड दिक्कत है, तो आप इसका जो ग्रीन कॉइल होता है ना इसके अंदर, ग्रीन कॉइल को आप चेंज कराएं। पिकअप कॉइल से रिलेटेड भी दिक्कत आती है बट इसका जो है प्रॉब्लम ग्रीन कॉइल में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है भाई। ये तो हमने आपको बता दिया, बाकी अगर ग्रीन कॉइल ठीक है फिर भी करंट नहीं आ रहा है, तो आपको वायरिंग चेक करनी पड़ती है। देख रहे हैं कपलर लगा हुआ है, कपलर के पास से आप जो है इसकी वायरिंग चेक करें। मैग्नेट कॉइल प्लेट है, वहाँ से जड़ से दोस्तों यहाँ तक आपको इसमें चेक करना पड़ता है। तो हमने आपको बता दिया मैग्नेट कॉइल में आप ग्रीन कॉइल चेक करें, पिकअप कॉइल चेक करना पड़ता है, और यहाँ से समझा दिया, ठीक है। तो इसमें इतना ही है दोस्तों, अगर लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, आपकी हेडलाइट जल नहीं रही है, तो आपको मैग्नेट कॉइल का जो कॉइल होता है उसको चेक करना पड़ता है, ठीक है। पहले यहाँ पर चेक करें, अगर यहाँ पर करंट आ रहा है लाइट वाली कॉइल में, तो आपको इसका जो है रेगुलेटर भी चेक करना पड़ता है। इस साइड हम आपको दिखाते हैं, रेगुलेटर लगा होता है दोस्तों बजाज चेतक में, ये है डिग्गी। अगर आपके पास बजाज चेतक है तो इसको आपको ओपन करना पड़ेगा, और यहाँ पे देखेंगे भाई ये है लाइट कंट्रोलर, इसको हम बोल सकते हैं रेगुलेटर। अगर रेगुलेटर ख़राब हो जाए आपके बजाज चेतक का, तो जो हेडलाइट ट्यूब है ना दोस्तों यहाँ का, बार बार इसका हेडलाइट ट्यूब फ्यूज होता रहता है, ठीक है। अगर हेडलाइट ट्यूब बार बार ख़राब हो रहा है, हेडलाइट बल्ब, तो आप इस रेगुलेटर को चेंज कराएं, ठीक है भाई, हमने आपको बता दिया। और इसका है सीडीआई, ये भी करंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको आपको चेक करना पड़ता है, इसको हम सीडीआई यूनिट बोल सकते हैं। तो अगर ये ख़राब हो जाए फिर भी स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, स्टार्ट नहीं होगी स्कूटर, ठीक है। इसको रखते हैं साइड में, हमने आपको बता दिया भाई कौन कौन सी कॉइल आपको चेक करना पड़ता है अगर बजाज चेतक में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही है। तो हम बात करते हैं इसका फ्रंट साइड से, ठीक है। आप इग्निशन ऑन करते हैं फिर भी नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे वायरिंग, यहाँ जड़ से देखें, वायरिंग जो आप देख पा रहे हैं इसमें जुड़ा हुआ है ना, ये भी टूट जाए तब भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। कोई भी वायर दोनों में से टूट जाता है तो स्टार्ट नहीं होगा आपका स्कूटर जो है। यहाँ से भी चेक करें, स्टार्टिंग से रिलेटेड दिक्कत आ रही है। तो ये है इंडिकेटर फ्लैशर, इंडिकेटर अगर आपके स्कूटर का नहीं चल रहा है तो आपको फ्लैशर चेक करना पड़ेगा। फ्लैशर ख़राब हो जाए तो इंडिकेटर नहीं चलेगा। अगर आपके स्कूटर का इंडिकेटर नहीं चल रहा है तो आपको स्विच भी चेक करना पड़ता है, ठीक है। इंडिकेटर के बारे में बता दिया, इंडिकेटर नहीं चल रहा है तो आपको यहाँ से वायरिंग चेक करें और स्विच चेक करें, अगर वहाँ से बिल्कुल ठीक है तो आपको इसका जो फ्लैशर है फ्लैशर चेक करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर हॉर्न देख सकते हैं लगा हुआ है, हॉर्न नहीं बजता है, तो आपको जो है हॉर्न में करंट चेक करना है। वायर जो देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पर करंट आ रहा है तो आप हॉर्न ट्यूनिंग करें या चेंज करा के देखें, ठीक है। तो हमने आपको भाई इन्फॉर्मेशन दे दिया, बजाज चेतक में अगर स्टार्ट नहीं हो रही तो आपको क्या क्या चेक करना पड़ता है। तो हमारे पास कमेंट आया था दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाके पढ़ा, तो बोलते हैं भाई आप बजाज चेतक के करंट के बारे में बताएं, अगर करंट नहीं आता तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो स्कूटर देखें काफ़ी अच्छा स्टार्ट हो रहा है, इसकी स्टार्टिंग वगैरह बहुत ही अच्छा है जो आप बजाज चेतक देख पा रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों, आपके स्कूटर में करंट भी आ रहा है और सब कुछ ठीक है करंट से रिलेटेड, फिर भी स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही है, तो आपको इसका कार्बोरेटर चेक कराना पड़ेगा। अगर आपका स्कूटर ओवर रेस कर रहा है, स्टार्ट कर रहे हैं तो थ्रोटल लेते हैं तो ओवर स्पीड करता है, तो आपको इसका जो चोक केबल है इसको चेक करना पड़ेगा भाई, चोक केबल वर्क करना चाहिए। और इसका जो स्लो जेट
और मेन जेट होता है दोस्तों, उसको आपको क्लीन कराना पड़ता है। अगर स्टार्टिंग से रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो आपको इसका कार्बोरेटर क्लीन कराना पड़ेगा, ठीक है। सफाई कराएं अच्छी तरीके से, जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है। और इसका आप एयर फिल्टर साफ करना चाहते हैं तो एयर फिल्टर आपको इसी साइड मिलेगा, देख रहे हैं आप, जो 99 मॉडल का स्कूटर है दोस्तों, एयर फिल्टर आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, ठीक है। इसको आपको बाहर को निकालना पड़ता है, इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखा है, हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने से जाकर आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका एयर फिल्टर आप क्लीन कर सकते हैं। तो हमने आपको इस बजाज चेतक में बता दिया दोस्तों, अगर आपके स्कूटर में स्टार्टिंग से रिलेटेड दिक्कत आ रहा है तो आप क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने था दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।